डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्लास सिक्स का जो डीओई ने प्रैक्टिस पेपर इश्यू किया हुआ है, जो लास्ट ईयर का रहा था, उसी को डिटेल में समझा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पार्ट वन और पार्ट टू दो वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि काफी डिटेल थी तो वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड कर दिए। अब जो है इस वीडियो में मैं आगे आपको कंटिन्यू करवा रहा हूं। तो अब हमारी इस वीडियो में हम यहां से सीखेंगे पांचवें क्वेश्चन से कि पिन होल कैमरे से किस प्रकार के चित्र बनते हैं। तो आपको बुक से एक्स्ट्रा भी बताऊंगा कि आप वो भी कर लेना ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए, जो पिन होल कैमरे से हम कोई भी चित्र बनाते हैं ना, तो उससे अपसाइड डाउन इमेज बनते हैं, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप उल्टा प्रतिबिंब लिखोगे। ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक है, और इंग्लिश में मैंने बता दिया अपसाइड डाउन। और ये जो आपकी साइंस की बुक है ना, तो उसमें जो आपका चैप्टर है ये लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, तो उसी में यहां पर आप जब पढ़ते हैं तो वो जो है दिस थॉट वी सॉ अपसाइड डाउन इमेज पीपल ऑन द रोड विद अवर पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा से अपसाइड डाउन इमेज बनती है, ये आपको ध्यान रखना। जितने अच्छे से चैप्टर पढ़ा वो बता देगा आंसर। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो दो मार्क्स का है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे जैसे इमेज बना के भी दिखाने से दिखा सकते हैं, जैसे नेचुरल बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत और जैसे पिन होल कैमरा का थोड़ा सा बना के दिखाना तो आप बना सकते हो, समझे। और थोड़ा बहुत अगर आप एक्स्ट्रा बताना चाहते हो पिन होल कैमरा के बारे में कि वो बनता कैसे है, तो आप ये याद करो पिन होल कैमरा कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल्स एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट। ऐसी हिंदी में आप ये और ऐड कर सकते हो, साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। तो पिन होल कैमरा जब हम यूज करते हैं तो लाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सनलाइट ब्राइट होनी चाहिए, तभी हम उसको हम देख पाते हैं, बता पाते हैं। अब जो बच्चे क्या करते हैं, समरी वाली चीजें याद नहीं करते, फिर बाद में दिक्कत होती है। तो आपको समरी भी अच्छे से करनी, जैसे लिखा हुआ है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो बताओ इसमें लाइट जाएगी? हाँ। और इसमें लाइट ट्रेवल करेगी? नहीं करेगी। तो आपको ये डिटेल में सारा पता होना चाहिए डियर, इसलिए। अच्छा, ये देखो, ये लाइट ऐसे के टकरा के चली गई, इसे क्या बोलते हैं? इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, हिंदी में परावर्तन कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है, सारी चित्र जितने भी हैं इन सबको एनालाइज कर लो, क्योंकि आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको क्या बता रहा हूं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम अच्छे से देखना। ठीक है, आहारी रेशा हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है, क्यों? पहले हिंदी में देखो, एक बात याद रखना, आहारी रेशा को ना हम रुक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? रुक्षांश। और अगर ये पूछेगा कि आहारी रेशा हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह हमारे भोजन के लिए अनिवार्य है, क्यों? आप लिखोगे क्योंकि बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्योंकि आहारी रेशा बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ऐसे लिख देना। यह रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ऐसे लिख देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक से ही है, मैं इसलिए बच्चों को बार बुक दिखाता हूं ताकि बच्चों को पता लग सके कि बुक से ही आता सब कुछ। ये देखो, ये लिखा। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको एक एक चीज को पढ़ो। अगर आप सही से नंबर लाना चाहते हैं, बुक से चैप्टर्स पढ़ो। जैसे चावल से हमें क्या मिलता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, तो चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आप एक एक लाइन पढ़ोगे अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तब आपको नंबर मिलेंगे। अब इंग्लिश में देखते हैं, ये कह रहा है रफेज डजंट प्रोवाइड एन न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। ये कह रहा है रफेज जो होता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, बट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर फूड।
लेकिन हमारे फूड का एसेंशियल कंपोनेंट है वाई, तो आप लिखोगे डायट्री फाइबर सच एज होल ग्रेन पल्सेस फ्रेश फ्रूट्स हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये जो है ना अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में मदद करते हैं, नहीं तो हमारी बॉडी में फंस जाएगा और हमें दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है ठीक है, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। ये देखो आपकी जो बुक है न्यू हो या ओल्ड हो चलेगी, चैप्टर का नेम आपको पता होना चाहिए जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, सेकंड बुक पुराने बुक में दूसरे नंबर पे होगा, कोई बात नहीं जो भी है। तो आपको यहाँ बता रखा देखो डायट्री फाइबर, डायट्री फाइबर का दूसरा नाम रफेज भी है। अगर एग्जाम में बोलेगा कि रफेज का दूसरा नाम क्या है, डायट्री फाइबर, तो अगर वो पूछ सकता है कि डायट्री फाइबर किस में होता है, होल ग्रेन में होता, पल्सेस में, पोटैटोस में, फ्रेश फ्रूट में, सब्जियों में, क्योंकि इसी में से कई क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो बच्चे कहते सर आपने तो सिर्फ डायट्री फाइबर के बारे में बताया था, ये तो डायट्री फाइबर के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, आपने बताया नहीं। तो मैं इसलिए पहले बोलता हूँ, मैं एक ही चीज बताता हूँ आपको अच्छे से करना है, इसको डिटेल में पढ़ना है, समझो। हिंदी में भी आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें किससे मिलता है ये आहारी रेशा, ये दाल से, आलू से, ताजे फल से, सब्जियों से। तो अगर आप ऐसे पढ़ते हैं ना डियर, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। समझ में आ रही प्यारो? ठीक है, सब्सक्राइब सारे कर लेना, फिर साथ ही में भी तो मुझसे पढ़ना है, वो मर्जी है आपकी, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, ये देखो ये किससे मिलता है, ये आर्डिन, किससे मिलता है फॉस्फोरस, किससे मिलता है आयरन, किससे मिलता है कैल्शियम, और इसका यूज क्या है। जैसे आयरन क्या करता है बताओ, आयरन खून की कमी को दूर करता है, ये लिखा। आयरन की अगर कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। इसे आयरन किससे मिलता है, एग्जाम में ना 5 नंबर में आ जाता है, कैसे वो बोलेगा, कि खून की कमी किसकी वजह से होती है, आयरन की वजह से। तो वो पूछ लेगा इससे सिम्टम क्या है, तो बोलेगा वीकनेस आ जाती है। तो वो पूछेगा कि एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन किससे मिलता है, तो आप फिर ये बता दोगे कि जो हमें आयरन होता है वो हमें पालक से मिलता है, हमें एप्पल से मिलता है। ठीक है, तो ये जो भी चीजें लिखी हैं आप इससे हमें बता दोगे। ठीक है, ऐसे हिंदी में भी आप ये देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश में ही देखो, आप हिंदी में भी देखो, क्योंकि दोनों ही बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से है, और ये अगर आएगा लोहा जो होता है वो, और रक्तता मतलब खून की कमी ही बोलते हैं इसे, और रक्तता, रक्त मतलब खून, खून, और आ मतलब कमी हो जाना, खून की कमी हो जाना, कमजोरी आ जाती है। तो इस तरीके से उसके बाद ये कह रहा छाया कैसे बनती है, तो आपको पता होना चाहिए छाया बनाने के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, स्क्रीन चाहिए, लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी परिभाषा आप लिख देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप बच्चा ये भी लिख तो उसके नंबर मिलेंगे। ओपेक मतलब मैं लिख देता हूँ हिंदी में, 3 चीजें चाहिए होती छाया बनाने के लिए। एक तो अपारदर्शी वस्तु चाहिए होता, अपारदर्शी वस्तु चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, पर्दा चाहिए, स्क्रीन चाहिए। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। और यहां से आप परिभाषा लिख देना, ये लिखा ना, शेडोज आर फाउंड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, कि छाया कब बनेगी, जब कोई अपारदर्शी वस्तु किसी प्रकाश वाली जगह पर होगी तो छाया बन जाएगी, ओपेक वस्तु की, अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो मेरी परछाई दिख रही होगी आपको, ये दिख रही है, अब इधर की तरफ लाइट है तो ये आपको परछाई दिख रही है, ये देखो मेरा अंगूठा दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है ना। तो ये जहां से प्रकाश निकल रहा है, अगर ओपेक, ये ओपेक के लाए, क्योंकि इसके हर पर देख नहीं सकते आप, तो वो जो परछाई बन गई है देखो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, छाया बनाना कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बता पाते हैं। जैसे पहले मैं समझा दूं, जब पहले हिंदी में देख लो, मैं आपको हिंदी में जो बता रहा हूँ ना, ये छाया कैसे बनती है, तो छाया कैसे बनती है, तो अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, पर्दा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, इंग्लिश में मैंने आपको ये दिखाई दिया था। फिर यहाँ पर आप ये लिख देना, ये भी लिख देना, ऐड करो जितना, थोड़ा ना समझ में ज्यादा लिखना पड़ता है, तो बच्चे टूलापन लिखते हैं तो थोड़ा सही नहीं रहता, मेरे साथ थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बन जाती है। देखो इधर लाइट है ना, आपको लाइट दिखाई दे रही है सारी, तो ये अपारदर्शी वस्तु आ गई, परछाई बन गई। तो परछाई तब बनेगी जब कोई अपारदर्शी वस्तु होगी, अपारदर्शी वस्तु होगी और वो प्रकाश के रास्ते में आएगी, तो ही बनेगी अपारदर्शी छाया बनेगी। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था, अगर आपसे पूछेगा ना इमेज और शेडो में क्या डिफरेंट है,
तो प्रतिबिंब और छाया में क्या अंतर है? तो आप बताओगे, प्रतिबिंब जो होता है ना वो रंगीन हो सकता है, उसमें कलरफुल हो सकता है, रंग वाला हो सकता है। जब टीवी देखते हो उसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो तस्वीरें दिखाई देती हैं, जो उन्होंने कपड़े पहने वही कलर के दिखाई देते हैं ना, तो प्रतिबिंब है वो। छाया जो होती है वो हमेशा काली होती है। एग्जाम में पूछ भी लेता है कि छाया का रंग कौन सा होता है, ए काला, बी सफेद, सी कभी काला कभी सफेद, डी रंगीन। तो कौन सा होता है? काला होता है ना। तो जो छाया होती है ना, जो शेडो होती है, हमेशा काली होती है। उसके बाद ये नेक्स्ट ये कह रहे, चांद को एक दीप्त पिंड क्यों नहीं माना जाता? जो चांद होता है ना, चांद उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट या लुमिनस बॉडी क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं है। आप इतना लेते हो कि मून हैज नो ओन लाइट, चांद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। थोड़ा से बड़ा कर देना, चांद का प्रकाश, चांद का स्वयं, यहां लिख देना स्वयं, चांद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो ये रीजन है इसका मेन। फिर अगर आपसे पूछेगा कि एक विद्युत सेल का चित्र उनके टर्मिनल को दर्शाते हुए अंकित कीजिए, जो विद्युत सेल है ना, ये कह रहा है एक आपको इलेक्ट्रिक सेल बनाना है और उसके टर्मिनल दिखाने हैं, ठीक है? तो आपको ये सेल बना देना और यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस दिख देना, आप ऐसे बना दो। अब हिंदी या इंग्लिश इसमें क्या दिखाना, फिर भी देख लो आप। आपको पता होना चाहिए इसमें एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। आपसे ये पूछ लेगा इस सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, दो होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब बच्चे ये भी नहीं बता पाते क्योंकि वो सुनते नहीं ध्यान से क्या बताया, ठीक है? तो दो होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। बता दोगे ना आप? बता देना, आप मुझसे पढ़ रहे हो ना। चलो ये हो गया। और अगर पूछेगा कि सेल में बल्ब अगर जल रहा है तो किसकी वजह से जलता है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, जब तक केमिकल है तब तक वो बल्ब जलेगा, जैसे केमिकल खत्म हो जाएगा बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें रासायनिक पदार्थ होता है तभी वो जलता है, रासायनिक पदार्थ खत्म होगा तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ठीक है? फ्यूज पूछ लेगा, फ्यूज क्या करता है, ठीक है? बल्ब किस में जलेगा किस में नहीं जलेगा, चालक, जब कुछ चालक वाली चीज होगी तो बल्ब जलेगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। देखो इसमें बल्ब जल जाएगा, इसमें बल्ब नहीं जलेगा, टूटा हुआ है यहाँ पे, टूटा हुआ है, भले मोड़ दोगे तब भी बल्ब जल जाएगा, लेकिन एक से करोगे, एक से नहीं करोगे, नेगेटिव से नहीं करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा, पॉजिटिव नहीं करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार आया होगा, ठीक है? अब इंग्लिश हिंदी क्या इसमें बताएं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो ये कह रहा है, ये तो मैंने बता दिया सेल का चित्र, ये कह रहा अगर ये नहीं करना तो ये करो, तीन धातुओं के नाम बताओ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो जाता है। तो बहुत सारी चीज इसमें करंट फ्लो हो जाता है, जैसे आप बता दोगे लोहे में से करंट चला जाता है आयरन, है ना, कॉपर में से चला जाता है, एल्यूमिनियम से चला जाता है, अच्छा आप सिल्वर भी लिख सकते हो। हिंदी में क्या हो गया, लोहा, चांदी, कॉपर को बोलते हैं तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है? इस तरीके से आप बहुत सारे बता सकते हो इसमें से करंट फ्लो हो जाता है। इसलिए मेटल पूछा था ना, इसलिए मैंने मेटल बताया, ठीक है? धातु बताइए, क्या बताइए? धातु, आयरन, सिल्वर, ठीक है? इस तरीके से कॉपर वगैरह आप बता सकते हो। फिर कह छाया के निर्माण के लिए सिर्फ तीन चीजें कौन सी हैं? जब हमें छाया का निर्माण करना तो फिर ये लिखना, ऑपेक, स्क्रीन और लाइट, ठीक है? ये लिख देना, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा और प्रकाश, ठीक है? फिर ये कह रहा है 10वें नंबर पर, इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? बताओ, आप बता दोगे, सर्किट को हमें ब्रेक करना होता है या हमें जैसे बल्ब को बंद करना है या ऑन करना है, तो हम इलेक्ट्रिक स्विच का यूज करते हैं। देखो अब यहाँ पे पूछा ना इसने, इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये, तो यहीं पर आप देखो, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने और प्रारंभ करने के लिए प्रपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता था। अब यही इसका उद्देश्य के रूप में से लिख देना, ऐसे इंग्लिश में भी आप ये लिख देना कि स्विच जो होता है एक सिंपल डिवाइस होती है जिसका प्रयोग ब्रेक या इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। तो आप ये आराम से इसमें लिख सकते हैं। फिर इसने बोला, नेम टू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। जो आपको इलेक्ट्रिकल गैजेट बताने जिसमें स्विच का इस्तेमाल होता है, आप अपने आप भी बता सकते हो। जैसे आयरन है, मतलब जो प्रेस होती है, फ्रिज है, गीजर है, और फैन है, कूलर है, एसी है, कितनी सारी चीजें आप बता सकते हो अपने आप। फिर ये कह रहे, इस पिक्चर को देखो,
इसने बोला कि इन तीनों को ऑब्जर्व करो और बताओ क्या है, और फिगर एक्सप्लेन व्हाई अप्रोप्रिएट रीजन इन विच सिचुएशन द कैंडल विल बी विजिबल। तो आप बोलोगे इसमें कैंडल हमें दिखाई देगी, इसमें जो है कैंडल है ही नहीं तो दिखाई नहीं देगी, इसमें जो है ये जो है थोड़ा बैंट हुआ हुआ तो इसमें कैंडल नहीं दिखाई देगी, क्यों? जो लाइट है, क्योंकि लाइट जो होती है स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ये रीजन में लिखना है। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, आपको रीजन में लिख देना है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गति करता है, आप वो बता दोगे, ठीक है। मैं उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, ये कह रहे ये नहीं करना तो ये कर सकते। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो प्रकाश के मार्ग में क्या परिवर्तन आता है, ये क्या कहलाता है? तो देखो जब लाइट जाती है तो उसे इंसिडेंट कहते हैं, और जब टकरा के वापस चले जाते हैं तो उसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं, ठीक है। देखो ये प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, आप ये जरूर लाइन लिख देना जो मैंने ऊपर वाला ये बताया था, ठीक है। ये लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बाकी अगर हम बुक देखें तो बुक में भी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आप थोड़ा और इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं, वही चीज़ मैंने बताया वही बता रहा, ठीक है। और फिर ये मैं आपको बता रहा था कि एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट रीजन, ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता तो प्रकाश के मार्ग में क्या परिवर्तन आता है, तो आप बोलोगे प्रकाश जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये आपने देखोगे जैसे कोई आ ये रिफ्लेक्ट हो गया, प्रकाश क्या हो गया, परिवर्तित हो जाता है। क्या लिखोगे, प्रकाश परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन होता है, इसे बोलते हैं परिवर्तित होना, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूं ऐसे, आप इंग्लिश में यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख दोगे परिवर्तन का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। थोड़ा सा आप बनाना चाहते हो बना सकते हो ऐसे करके, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इस लाइन ये यहाँ पे ऐसे डाल देना जैसे मिरर हो गया, इसे इंसिडेंट बोलते हैं, इंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में आने आना है ये। तो डियर ये जो लाइन जारी होती है ना, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइन टकरा के वापस जा रहे थे, हिंदी में बताऊंगा पहले इंग्लिश में देखो, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये होती है आपतित किरण, और ये होती है परिवर्तित किरण, और ये पॉइंट है बिल्कुल बीच में से लाइन जारी होती है। ये आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, इसे नॉर्मल रे कहते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। अभिलंब बोलते हैं इसको, आपको इतना नहीं लिखना, बस ये आप रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे लिख देना, बता देना, और इसको इतना लिख देना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम बोलते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है बेटी, परावर्तन का नियम बोलते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको सारा बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर सेक्शन सी है, ये कह रहा है वसा के किन्हीं तीन स्रोतों के नाम बताओ, मतलब फैट हमें किस किस से मिलता है, फैट हमें किन किन तीन से मिलता है, हमें उनके नाम बताने, उनके चित्र भी बनाने हैं। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बहुत फोकस किया, ठीक है। तो ये देखो प्लांट से मिलने वाले और एनिमल से मिलने वाले ये सारे हैं, पिक्चर भी बना के आने हैं, तो मैंने आपको पूरी पिक्चर ही दिखा दी, ठीक है। आप अच्छे से कर लेना और हिंदी में भी देख लो आप, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए मैं दिखा दिखा के बता रहा हूँ कि आपको सारे करने हैं, कोई सी भी पिक्चर बोल सकता है वो बनाने के लिए, सुन रहे हो, क्योंकि डीओई ने इशू किया है तो मतलब कुछ सोच के इशू किया होगा ना। फिर ये कह रहा है ये बी में बोल रहा है कि मैचिंग करो, तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेटस, आयरन की कमी से घेंगा, और आयरन की कमी से कौन सी होती है, हमारी एनीमिया हो जाती है, ठीक है। तो और स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी। तो देखो ये मैंने आपको टेबल बार बार कितनी बार दिखा चुका हूँ वीडियो में, दिखाई है ना डियर, तो वही चीज है ये, ठीक है। उसके बाद हिंदी में भी देख लो एक बार, ये रही ये मैचिंग में दे दी इन्होंने। फिर ये कह रहा अगर ये टेबल नहीं करनी तो आप ये करो कि जो न्यूट्रेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, और ये कह रहे कौन कौन से मेजर न्यूट्रेंट होते हैं। देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ पोषक तत्व क्या होते हैं, तो ये देखो
आप यहां लिखना, जो कुछ सामग्री हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, और उन्हीं आवश्यक सामग्री को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो पूछेगा कौन कौन से पोषक तत्व सबसे ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, या बताओ, ठीक है। तो अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो आप बोलोगे द इनग्रीडियंट विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो ये इनग्रीडियंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये पूरा आप याद कर लेंगे। ये न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन पूरी है, ऐसे आप लिख देना, बाकी जो मैंने बोले वो लिख देना। नहीं तो ये बताना कि सबसे मेजर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये और डायट्री फाइबर, वाटर, ये सब बता दें। जब बैलेंस डाइट आएगी ना, बैलेंस डाइट, तो भी इसमें लिख देना सारा, संतुलित आहार में। तो समझ में आ गई, मैंने पूरा बता दिया आपको। अब आ जाओ, ये केस स्टडी है, बहुत ईजी है, ये आपकी 5वीं क्लास के बेस पर होगी। ये कह रहा, अरुण देर शाम तक पढ़ रहा था, रोशनी के लिए उसने बिजली का बल्ब ऑन किया, बल्ब नहीं चमका, संभावित है कि बल्ब फ्यूज हो गया हो, यह कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। अब पहला, बल्ब के ना चमकने का कारण उसके डैश का टूटना। बल्ब क्यों नहीं चमक रहा, बल्ब तो हो सकता है सर्किट टूट गया, हो सकता है फिलामेंट टूट गया, हो सकता है टर्मिनल ना मिल रहा हो, तो तीनों सही है, इसका डी आंसर आएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है, ये होगा ना डी। फिर कह रहा है बल्ब के फ्यूज होने का एक कारण इसके डैश का टूटना है, फिलामेंट, फिलामेंट टूट जाती है ना, बल्ब के अंदर होती फिलामेंट लगी हुई, तो वो होती है फिलामेंट। तो आपको पता है ये फिलामेंट किसकी बनी होती है, देखो ये जो फिलामेंट है ना, वो ये होती है, ये बल्ब के अंदर होती है, जैसे हमारा ये बल्ब है, तो इसके अंदर लगा होता ना, ये ऐसे ऐसे जो जा रही होती है ना, ऐसे वाली, उससे बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा हीट होती है तो अपनी फिर लाइट छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से हम देख पाते हैं, हिंदी में तंतु बोलते हैं। और पता है, डीपली बार बताऊं, जो तंतु होता है ना, वो पता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फिलामेंट लिखते हैं हिंदी में, तो एग्जाम में तंतु लिखा तो बच्चों को पता नहीं होता, तंतु बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे इस बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है, ये आपको डीपली बताना चाहिए। देखो ये तंतु की डिफाइन भी लिखी हुई है, एग्जाम में पूछेगा ना तंतु किसे कहते हैं, बोलोगे जो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं, ठीक है। और याद रखना ये, देखो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इतना याद करते ना, टीचर को पता बच्चा इतना पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा इतना, लेकिन ये आगे नहीं पढ़ता। ये तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं, इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा, तो धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, तो दोनों यार है ना किससे किससे जुड़े होते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि दूसरे को छुए ना, और घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब को भी ऐसी ही संरचना होती है। तो किसान बोलते कि क्या दोनों टर्मिनल दूसरे को छू सकते हैं, छूना ना छूना ना, बिल्कुल नहीं छूना, छू जाएंगे तो करंट खा जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई। चलो तो अगला, ये कह रहा है एक साधारण उपकरण जो या तो सर्किट को तोड़ता है या इसे पूरा करता है। स्विच तो होता है वो जो जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, और आपको पता होगा स्विच के बारे में, ये सारे देखो, ये सारे स्विच ही तो बता रहा है, ये बंद कर दिए, खोल दिया, ठीक है। और ये जो फिलामेंट की डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी दिखा दूं, तो इंग्लिश वाले बच्चे का सर ने एक बार दिखाया नहीं, ठीक है। ये देखो ये स्विच सारे दिखा देते हैं, बंद, ओपन वाला। फिर ये 14 है, ये कह रहा है बीज एक छोटा गोलाकार या अंडाकार वस्तु है, होता है ना बीज ऐसा छोटा होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है, कुछ सब्जियों व फलों के बीजों का उपयोग हमारे भोजन में किया जाता है। ये कह रहा है आपके घर में मसाले के रूप में कौन सा बीज उपयोग होता है, तो जीरा होता है, क्यूमिन होता है, हाँ है ना। फिर ये कह रहा है कौन सा बीज नहीं है, तो देखो कौन सा बीज नहीं है, कैरेट, गाजर एक जड़ होती है, क्या होती है, जड़, तो ये आंसर आ जाएगा। ये कह रहा बीज जो खाने योग्य नहीं, किस बीज को हम नहीं खाते, बादाम को खाते, मसूर को खाते, मटर को खाते, पपीते की,
पीच को हम नहीं खाते तो पपाया आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये मैंने हिंदी में पढ़ा था, उम्मीद करता समझ में आ गया होगा क्योंकि केस स्टडी है ना, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। सीड इज ए स्मॉल स्फेरिकल और ओवल ऑब्जेक्ट। व्हेन अ सीड इज सोन अ न्यू प्लांट इज टेक बर्थ। द सीड्स ऑफ सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर यूज इन अवर फूड। तो ये कह रहा सीड जो यूज होता है स्पाइसेस में तो वह है क्यूमिन, और कौन सा सीड नहीं है वह है कैरेट, और कौन सा जो सीड है जिसको हम एडिबल नहीं खाने लायक नहीं है पपाया। लास्ट की पैसेज में छोड़ना बच्चों, स्कोरिंग है, आप आराम से नंबर ले लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है गोपाल अपने मौसी के परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था, वे अगले दिन अपनी छुट्टियों के लिए आएंगे, वह बहुत उत्साहित था। तभी उसकी माँ ने पुकारा, गोपाल सोने से पहले अंकुरित होने के लिए चना के दो छोटे कटोरे भिगोना याद रखना, ठीक है, समझ आ गया। मतलब गोपाल वाज वेटिंग फॉर हिज मोसिस फैमिली टू विजिट देम, वो वेट कर रहा है, दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे, वो नेक्स्ट दिन आएंगे, अगले दिन आएंगे फॉर देयर हॉलीडेज, छुट्टियां बिताएंगे ना। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश था। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले रिमेंबर टू सोक टू स्मॉल बाउल्स ऑफ चना फॉर स्पॉटी। तो आपको सोक करना है, ठीक है, दो छोटे छोटे कटोरे चने के भिगो देने। स्पॉटिंग मतलब उसमें छोटे छोटे वो जड़े से निकल जाते हैं ना, उसकी बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित, ये देखो ये दिखाता हूँ स्पॉटिंग, ये देखो ये स्पॉटिंग होगी ना ये। तो ये कह रहा है कि जैसी है चैप्टर पढ़ रखा है बच्चों, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ये कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच कैन बी स्पॉटेड, पता इनमें से किसका स्पॉट होता है, चने का, होल मसूर का, राजमा का, या तीनों का। तो तीनों का होता तो ऑल ऑफ दिस पर टिक कर देंगे हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है चना एक पौधे का खाने योग्य भाग है, पता चना जो चने का जो पौधा है ना उसमें से हम क्या चीज खाते हैं, उसका बीज तो खाते हैं, तो इसका आंसर बी, सीड खाते हैं हम चने में, ठीक है। अंकुरित भोजन में किसकी अधिकता होती है, जो अंकुरित भोजन हम खाएंगे, जो स्पॉट वाला हम भोजन खाएंगे उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी ग्रोथ करता है, हमारी हाइट बढ़ाता है, हमारी बॉडी बढ़ाता है। तो इसलिए आज इसे स्पॉटिंग खाना है, खूब मजे में आना। तो इस तरीके से मैंने आपको पेपर ही नहीं, आपको काफी एक्स्ट्रा भी समझा दिया। अब आपको पता भी लग गया आपको कैसे पढ़ना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो बोल ही सकता हूँ, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स।